तो नमस्कार, मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल फैमिली को। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्जो 10 और नर्जो 10 एक पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे नर्जो 10 के बारे में। तो इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और ये कब आपके हाथ में आ सकता है यह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे नर्जो 10 के जो की स्पेसिफिकेशन है वह हम आपको बता देते हैं, यानी कि जो मुख्य चीज है। उसके बाद उसके विस्तृत रूप में हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो नर्जो 10 में आपको 4 GB का रैम मिलता है, साथ में आपको 128 GB का स्टोरेज। साथ के इसकी अगर प्रोसेसर की बात की जाए, इसमें आपको हीलियो G80 प्रोसेसर मिलता है, जो काफी बेहतर प्रोसेसर है। और उसके रियर कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का सेकेंडरी कैमरा, 2 MP का उसके बाद वाला कैमरा है, और फिर 2 MP का दूसरा कैमरा आ जाता है। वहीं इसकी बैटरी की बात की जाए, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। साथ में आपको 16 MP का कैमरा है, जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वह 25 MP का DSLR है, लेकिन इसमें कैमरा 16 MP का है, सॉरी 24 MP का DSLR मेरे पास है। उसके बाद बात करें डिस्प्ले के बारे में, जिसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। तो अब हम जैसा कि स्पेसिफिकेशन होने के बाद हम आपको अब फोन के फुल स्पेसिफिकेशन बताएंगे। तो वीडियो को कभी भी चाहिए तो पूरा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको सभी तरह के नॉलेज टेक्निकल रिलेटेड आपको मिलेंगे। एक बार आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, वहां पे हमारे चैनल पे क्या क्या मिलेंगे ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स होगा उसी पे जा करके। तो चलिए हम आगे बताते हैं। सबसे पहले इसके जनरल की यानी कि सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में बताते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है, साथ में इसका कस्टम UI है Realme UI। साथ में इसकी बात की, इसमें सिम स्लॉट की, तो इसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है, 1 SD कार्ड का और 2 नैनो सिम कार्ड का ट्रिपल सिम स्लॉट। इसमें फिंगरप्रिंट्स भी है, लेकिन वह बैक की तरफ फिंगरप्रिंट्स है। और इसके जो बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि इसमें क्विक चार्ज भी है, बिल्कुल भी प्लास्टिक की है, और इसमें आपको क्विक चार्ज का भी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इसकी डिजाइन की बात कर ली जाए, तो इसमें के पूरे डिजाइन हम आपको बताएंगे। तो इसके डिजाइन में आपको हाइट बता देते हैं कि ये कितना फुट लंबा है। सॉरी, ये इंसान नहीं है इसलिए इसे फुट में नहीं गिनना चाहिए। तो ये आपको 164.4 mm इसकी हाइट है, जो मैंने खुद इंची टेप से नापा है। नहीं विश्वास होता तो दोनों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो, तो मैंने इसी से उसे नापा था। तो इसका हेड जो है 164.4 mm है। वहीं इसकी वेट की बात की जाए, तो ये आपको सॉरी वेट यानी कि चौड़ाई, जिसे आप इधर लंबा लंबी यहाँ पे नाप सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल को ऐसे करके देख रहे हैं, इसलिए इसमें चौड़ाई ये हो गया। तो इसकी चौड़ाई की बात की जाए, तो वो आपको 75.4 mm है। वहीं इसकी थिकनेस की बात की जाए, तो ये आपको 9 mm पतला है, जो मैंने खुद पटरी से नापा था, वह नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो यह प्लास्टिक का है जैसा कि मैंने बताया। और साथ में इसकी वेट की बात की ली जाए, तो ये आपको 199 ग्राम का है, जो कि आपके हाथ में एकदम खिलौना जैसा लगेगा। तो आराम से फोन को यूज करिएगा। वहीं इसकी अगर स्टोरेज की बात की जाए, तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, साथ में इसे बड़ा बढ़ा करके 256 GB तक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके आगे की बात कर ली जाएगा, तो अगर ऐसे बात कर ली इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसकी स्क्रीन साइज जो है 6.65 इंच का दिया गया है, जो वह साथ में वाटर नॉट डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाती है, इसमें आपको 720 और
600 पिक्सल इसका एजुकेशन है, स्क्रीन रेजुलेशन है, साथ में इसकी एस्पेक्ट रेशियो की बात की जाए 20.9 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, आप पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए आपको 270 PPI है, साथ में इसकी डिस्प्ले टाइप की बात की जाए IPS डिस्प्ले है, साथ में आपको LCD IPS और गोरिल्ला ग्लास 3 की साथ में बहुत बेहतर प्रोटेक्शन है जो कि कम है, गोरिल्ला ग्लास 5 देना चाहिए। साथ में इसके अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो 89.8% ये कंपनी का दावा है, लेकिन ओरिजिनल में ये आपको 80 से लेकर 84 के बीच में दिया गया है। वहीं इसकी बात की जाए चिपसेट की बात में तो इसके हीलियो G80 चिपसेट दिया गया, साथ में इसके प्रोसेसर की बात की जाए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, पहला प्रोसेसर जो 2.2 GHz पे बेस्ड है, डुअल कोर है जो कोर्टेक्स का S75 है, दूसरा 1.8 GHz पे बेस्ड है जो हेक्सा कोर है, तीसरा आपको जो हेक्सा कोर कोर्टेक्स A55 है, और इसका आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यह आपको 64 बिट पे बेस्ड है, और इसकी GPU की बात की जाए जिसमें आपको माली G62 GPU मिलता है, RAM की बात की जाए जिसमें 4 GB RAM मिलता है, और कैमरा की बात की जाए तो कैमरा जो भी मिलता है सब हम आपको बता रहे हैं। डर पड़ी किस बात की है, बैठिए मोबाइल देखिए आराम से। तो कैमरा की बात की जिसमें आपको क्वाड कैमरा मिलता है जो 48 MP का मेन कैमरा है, उसका अपर्चर F1.8 है, साथ में जो वह प्राइमरी कैमरा है साथ में 8 MP का F2.3 अपर्चर का वाइड एंगल लेंस आता है, 2 MP का 2.4 जो अपर्चर उसके साथ कैमरा आता है, उसके बाद 2 MP का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसिंग कैमरा आता है, ये कैमरा है। इमेज रेजोल्यूशन की बात की तो 8000x600 इसका इमेज रेजोल्यूशन है, इससे फास्ट मैं नहीं बता सकता। ओके आप सभी के समय बचाने के लिए मैं कितना फास्ट बोल रहा हूँ देखिए, समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, अगर अगले बार से ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो मैं इसी स्पीड में बोलूँगा ताकि आप लोगों का समय बच सके। तो फ्रंट कैमरा की बात की जाए जिसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा है जो F2.0 के साथ आता है, इसकी बैटरी की बात की जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी है जो लियोन बैटरी है, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, साथ में टाइप सी पोर्ट भी है। इसकी मल्टीमीडिया की बात की जिसमें आपको 3.5 mm जैक भी मिलता है, लाउड स्पीकर है यानी कि इसका जो स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। वहीं इसके कुछ और फीचर के बाद इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी बेहतर है, इसमें लाइट सेंसर है, इसमें प्रोमैक्स इमेज सेंसर है, इस प्रकार के। यह 18 मई को आपको 12 बजे फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा तो ले लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। इसका दाम आपको 11,999 मेरे तरफ से है तो कंपनी की तरफ से भी यही है। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली को और बेल आइकन दबाइए, धन्यवाद। तो अब बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में जो है रियलमी नार्ज़ो 10A। इसके भी कुछ शुरू में हम की इसे फिक्सल बात की बात कर लेते हैं तो इसके फ्रंट कैमरा जो है सो 5 MP का है, साथ में इसकी अगर हम बात कर लीजिए बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में इसके प्रोसेसर की बात की इसमें हीलियो G70 प्रोसेसर दिया गया है, और डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का दिया गया है, साथ में रैम आपको 3 GB, और इसके अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो 12+2+2 MP का इसका रियर कैमरा दिया गया है। तो यही इसका की एप्लीकेशन, आप इसकी पूरे ब्याह अंदर घुस करके हम लोग जाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, इसमें आपको IPS डिस्प्ले दिया गया जो काफी बेहतर डिस्प्ले है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले साइज दिया गया है, और इसके एस्पेक्ट रेशियो आपको 20.9 है, और इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो 270 PPI है। इसके सेंसर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए इसमें आपको 82.73 इसकी जो बॉडी रेशियो है, और स्क्रीन साइज जैसा कि मैंने बता ही दिया है 6.5 इंच का है। उसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है तो 720x600 है, स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी बेहतर बात है। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए इसमें आपको प्रोसेसर जो है सो चिपसेट जो है सो हीलियो G70 जो है सो है ही, उसके बाद इसके GPU की बात की जाए तो माली G52 इसके GPU है, और प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका जो 2.0 GHz पे बेस्ट है, डुअल कोर है। वहीं इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए आपको 64 बिट पे बेस्ट है, और रैम की बात की जिसमें आपको 3 GB रैम की मिलता है। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो इसका इंटरनल स्टोरेज 32 GB नहीं बल्कि 32 GB है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके क्या इसे बढ़ा के 256 GB क्या जा सकता है, और क्या बात करेंगे सॉरी हाँ। तो इसकी बैटरी की बात कर लिए इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो लिथियम आयन बैटरी दी गई है, साथ में इसकी आपको
नेटवर्क की बात के लिए जिसमें आपको ब्लूटूथ का 5.0 वर्सन दिया गया है। उसके बाद इसकी डिजाइन की बात कर ली जाए, डिजाइन ही करेंगे ना, हाँ ठीक है डिजाइन। तो इसके बिल्ड मटेरियल की बात की जाए, इसमें आपको भी बैक में आपको प्लास्टिक का मटेरियल दिया गया है। और इसके अगर बात कर ली जाए तो क्या बात करेंगे, थिकनेस के, ओके तो इसके थिकनेस आपको 8.9 mm का दिया गया है। साथ में इसके वेट आपको 195 ग्राम दिया गया है। इसका हाइट आपको 164.4 mm दिया गया है। ये आपको दो कलर में मिलेगा, सो ब्लू और सो व्हाइट। अरे भाई ये वाटर प्रूफ भी है, यानी कि पूरा वाटर नहीं स्लूप प्रूफ, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके मल्टीमीडिया के बारे में। जैसे आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है और साथ में इसमें आपको लाउड स्पीकर भी मिलता है। अब आगे की बात कर ली जाए तो वो है स्पेशल फीचर। तो इसके स्पेशल फीचर क्या होगा, सारा फीचर बता दो, स्पेशल क्या होगा जो बता दे की फीचर, यानी कि स्पेशल फीचर जो मेन फीचर है। तो इसका फिंगरप्रिंट भी आपको रियर में मिलता है, इसमें फिंगरप्रिंट भी मिलता है। और इसका दाम की बात की जाए 8,499 का मिलता है, जो 22 मई को आने वाला है फ्लिपकार्ट पर 2020 को। इंडिया में ये पहले ही आ जाता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको अगले जो फोन लॉन्च होगा उससे लॉन्च होने से आपको लॉन्च होते ही आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारा वीडियो का इंतजार करेगा, आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से मैं आप कुछ अपना राय की बात कर लीजिए। तो उसमें तो हमें लगा कि रियलमी एक नया सीरीज चालू करा है, उसमें कुछ धांसू होगा, तो धांसू तो है ही लेकिन इसमें कुछ सुधार हो जाता तो और बेहतर होता है। अब आप लोग तो जानते ही हैं क्या सुधार होना चाहिए, फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो काफ़ी बेहतर फ़ोन है वैसे ये, आप लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रियलमी 6i भी ग्लोबल में लॉन्च हो चुका है तो उसका उसकी टक्कर में ही है ये फ़ोन, करीबन बस कुछ हेरा फेरी दिया गया है। तो वह किस नाम से इंडिया में आएगा वो बात के बात है। तो आप सभी लोग इनमें से जो भी फ़ोन आपके रेंज में आता है वह ले सकते हैं, रियलमी का फ़ोन काफ़ी बेहतर होता है, तो मैं भी यूज करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की जय।